पर उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त और भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से एक बार फिर एक नई वीडियो के अंदर हाजिर है माशाल्लाह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं भाईजान सीज़न का दूसरा ट्रिप करने और वो भी चरना का। तो पहले आपको बता दूँ रिपोर्टें तो बिल्कुल लाड़े की चल रही है, बड़ी ख़तरनाक, कोई ख़ास मच्छी भी नहीं उतरा और इसके अलावा मतलब कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है कहीं से भी, चाहे वो कमर्शियल वालों की हो चाहे वो हमारे और आपकी तरह किसी एंगलर की हो, लेकिन ये कि कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट बनाएं, हम अपनी रिपोर्ट पे जाते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और इंशाल्लाह बस ये आप लोग की दुआएँ और आप लोग का प्यार है कि अल्लाह पाक जो है वो इसको सदा बहार रखे इंशाल्लाह। तो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे भाई, अपनी रिपोर्ट पे जा रहे हैं। तो हमारी टीम जो है वो पहुंच चुकी है वहाँ पर सुनहरा पे, और मैं और हमारे साथ हमारे इमरान भाई हैं, हम दो बंदे अलग जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं, टीम से भी आपको मिलाएंगे, पुरानी टीम है, मज़ेदार टीम है और इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं पहले अपने टीम की तरफ और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीआईपी फिशिंग। भाई टीम मेंबर में ये देखें माशाल्लाह, काशिफ भाई हमारे, काशिफ प्यारे वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चश्मा देखो भाई, काशिफ भाई जी। भाई ये कौन सा चश्मा है यार? अभी लिया, 100 रुपए के दो लिए। तो हमने शुरुआत अपनी जो टीम मेंबर की है वो काशिफ भाई से की है क्योंकि इनका चश्मा बड़ा खतरनाक है। तो काशिफ भाई इंशाल्लाह रिपोर्ट के साथ उतरेंगे। चश्मा इसलिए पहले पानी में हुआ खराब, अभी मुझे काला काला पानी दिख रहा है, उसका मतलब पानी सेट है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये पानी को चेंज करने के लिए पहना हुआ है। और ये हमारे एहसान भाई, एहसान भाई आपने चश्मा कितने का लिया? 100 रुपए के दो मिलने थे, एक मेरे लिए, किसने लिया? अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ये चश्मा कुछ दिखाए आज। और टोपी फ्री है। और ये हमारे शफीक भाई माशाल्लाह। शफीक भाई क्या हाल है, खैरियत है? अमीन भाई को भी सलाम कर दो अपना प्यारा। अमीन भाई शिकार पे आते हैं, लाड़ा अपना खुद भरा कर। ये हमारे अनवर भाई, हमारे माशाल्लाह से अनवर भाई भी हमारे साथ है। और ये हमारे हमारे पुराने पार्टनर बड़ी मुश्किल से घेरे में आए। और ये हमारे काशिफ भाई, काशिफ भाई इंशाल्लाह रिपोर्ट उतारेंगे अल्लाह ने चाह दो, है तो लाड़े की रिपोर्ट लेकिन देखेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। और एक बंदा वो पीछे छुपा हुआ है, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते पर है हमारे साथ ही। टांग दिखा दो, ये टांग देखो, पता नहीं दिखा सकते, टांग देख लेंगे। और ये एक और बंदा जी भाई, लाड़े के पैसे दे देना। अमीन भाई, हाँ अमीन भाई आपके लिए मैसेज भी आ गया। तो भाई ये अभी इस टाइम पे हम लोग निकल रहे हैं, पानी जो है वो जवार लगा हुआ है, पानी ऊपर तक आया हुआ है और इस टाइम 12 बज रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके निकल रहे हैं भाई। प्रोग्राम जो है वो काशिफ भाई क्या है हमारा? प्रोग्राम है पिकनिक का, मछली लगी तो सही है, नहीं लगी तो भी सही है। हम सिर्फ आए आज पिकनिक के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे, गेट टुगेदर नहीं हुआ था। एक कुछ दोस्त है हमारे वो भी आए हुए हैं, वीडियो में नहीं आ सकते, वो कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल यही बात है कि लाड़े की रिपोर्ट से नहीं आए भाई, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, अपनी फिशिंग भी करेंगे, गेट टुगेदर भी करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कर देना, इंशाल्लाह डायरेक्ट बढ़ते हैं फिर फिशिंग की तरफ। भाई काशिफ भाई फुल मूड में भाई माशाल्लाह, देखे भाई माशाल्लाह। देखे ये केकड़ा डांस, देखे देखे इसको मैं बुलाता हूँ अपने पास आएगा, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। कम यार मैं ब्रदर, कम 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 यार ब्रदर, ये देखे ये कहलाता है केकड़ा डांस, ये देखे
ये इंशाल्लाह डैमरी लेकर आएगा, ये खाली नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। भाई को डोर डालते ही देखे क्या, अरे माशाल्लाह पिट्टन उस्ताद आया भाई। देखिए ये अभी डोर डली और मामा पिट्टन आ गया, चेक करें जी। ये पहली डोर पे भाई पिट्टन आ गया, अगली डोर पे अल्लाह खैर करे। अभी ऊपर करो ज़रा काशिप भाई, ये देखें पिट्टन उस्ताद। ये हमारे काशिप भाई ने बिरयानी बनाई है भाई माशाल्लाह से। आ हा हा, ओ हो 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 हो, चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। ये लंच में बिरयानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि क्या बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है। बहुत देर खैर माशाल्लाह, क्या बात है भाई क्या बात है, हलवा हो गया माशाल्लाह 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 भाई। ये हमारे काशिप भाई ने बनाया माशाल्लाह ज़बरदस्त, सारे जो है भूख से निडाल हो रहे हैं। और देख अपने लिए भाई, मैं तो रच के खाना खाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। फ़िलहाल खाने के लिए रुके हुए, हमने कहा खाना भरपूर खाएं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह, तेरी खैर गुड हो गया, तुम दोनों आ जाओ। VIP माशाल्लाह। ये शफीक भाई को आया माशाल्लाह, अच्छा मुच्छी है। बोला यार, ठेला वाला क्या है, क्या टाइम को लगा रहा भाई तू, अबे डाल दे यार क्या इधर इधर भाई तू, काकाने काकाने आराम से आराम से आराम से माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह साफ, कांटे से बचना है इसके, कांटे से साफ ही मछली है। साफी का साइज देखें भाई, कांटे से बचना है इसके। इमरान भाई माशाल्लाह, ये भी जोड़ों के दर्द के लिए आना। ये भाई ये है कौन सा नाम हुआ है मच्छी पेड़ में नुकरा, पोपा टीरा है, पोपा टीरा तो हम पोपा टीरा कह सकते हैं, टीरा टेरा हमारे नाकुआ ने कहा ये जेरा मेरा है। ये देख लो जेरा मेरा भाई, जेरा मेरा आ रहा है फिलहाल, देखो आगे मेरा तेरा आता है यार। व्यूअर्स ये देखें, ये आया है, देखें ये क्या चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है। देखें ये काकू पेड़ है लेकिन कोई अजीब ही नस्ल का है, देखें समझ नहीं आ रही कौन सी नस्ल का है। देखें जो उस दिन कंधी पे उतरे थे दो दाने, ये बिल्कुल वही चीज़ है, देखें अल्लाह की कुदरत। ये केकड़े पे है, आप अंदाज़ा लगाएं इसका, ये केकड़ा खा रहा है। ये मैंने मरा हुआ केकड़ा जो है वो फिरो के लगाया हुआ था उस पे है, और एक ज़िंदा केकड़ा भी मेरा खा गया ये, लेकिन अभी इसको मैंने मरे हुए केकड़े पे फिरो के कांटे में और इसको उठाया। देखें अजीब मखलूक है, डर लग रहा है इसे, कोई अजीब ही नस्ल है। देखें ये देखें, पानी में दिखाऊँ आपको, ये देखें देखें कैसे पिचकारियाँ मार रहे हैं, ये देखें ये हाल है। देखें अल्लाह पाक खैर करे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई है समंदर में भाई, ये कितना ज़ोर मार रहा है। छुरी दो, छुरी काशिप भाई को कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स माशाल्लाह से मैंने कहा चले आपको जो है वो फाइनल रिपोर्ट से आगाह करूं। फाइनल रिपोर्ट ये है कि भाई बिल्कुल सूखा सूखा लाड़ा है, और मतलब VIP किस्म वाला लाड़ा है, और तकरीबन समझ लें 95% लाड़ा हुआ है लोगों को, 5% किसी को मच्छी आई है, किसी को बहुत अच्छी भी आ गई है, बाकी सारी नसीब की बात है। देखें इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने कहा यार लाड़े की रिपोर्ट भी आपको दे दूं, तो आप लोग कहेंगे यार नैन भाई ने जो है वो लाड़े की रिपोर्ट नहीं डालते हैं, और वैसे जो अच्छी रिपोर्ट होती है तो वो डाल लेते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से वादा किया था कि मैं ज़रूर हर रिपोर्ट आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा,
और शेयर करने का मकसद भी इतना है। देखें जब एक बंदा, आप यकीन करें, ये हमारा ट्रिप समझ लो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का ट्रिप था हमारा। और जब 25,000 रुपये का ट्रिप होगा फिर कितना इसमें टाइम लगता है, कितना टाइम स्पेंड होता है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, मतलब बहुत सारे काम भी छोड़ने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी बचत करें। देखें मच्छी इस टाइम पे वो है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा नसीब अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मच्छी जो है वो टकर जाएगी। और फिलहाल जो है पानी, आपको बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि पानी सेट है, भाई पानी सेट बिल्कुल भी नहीं है। पानी के अंदर सफ़ेदा लगा हुआ है, कोस का पानी लगा हुआ है पिछले 2 या 3 दिन से। इसके अलावा हमने हर जगह ट्राई की, हमने आज कभी भी इतने लंगर नहीं किए जैसे हम लोग लंगर एक ही लंगर करते हैं या मैक्सिमम 2 लंगर करते हैं। आज यकीन करें हमने समझ लें कि 5 से 6 लंगर किए, और 5 से 6 लंगरों के बाद भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई अच्छी मच्छी टकरी। बाकी छोटे वोटे कुछ दाने आए थे, जैसे कुछ मुल्ले और कुछ वो पोपट हीरे होते हैं दोगले, वो कुछ आए थे थोड़े बहुत, मतलब समझ लें टोटल आज हमें टोटल जो मच्छी हमारे ढूंढने में चढ़ी होगी वो 3-4 किलो चढ़ी होगी बस। इसके अलावा ना कोई डेमरी की रिपोर्ट है भाई, और हमने थोड़ी सी ट्रॉलिंग भी की सुबह में, हैंड लाइन ट्रॉलिंग की, स्टिक वगैरह से नहीं की, हैंड लाइन ट्रॉलिंग की, तो उस पर भी बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आया। और पहाड़ी के पास आप, अगर आप ज़्यादा पहाड़ी के करीब जाते हैं तो ऐसा पानी है जैसे किसी ने जो है पानी में पाकोला डाला हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो भाई मैं तो आप लोग की बचत करना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है हमने तो रिपोर्ट देनी है आप लोगों को, चाहे वो जैसी भी रिपोर्ट हो, हमारा काम बनता है कि हम लोग आप लोग की बचत करें। और बहरहाल देखें हम तो जाहिर सी बात है जाते रहते हैं, ज़्यादा जाते हैं, हमें तो इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ना कि अगर एक आध लाड़ा भी हो जाता है, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम तो कसर निकाल लेंगे। तो बहरहाल ये प्रोग्राम ऐसा भी था, आपने शुरू में जो है वो काशिफ भाई का भी इंट्रो सुना होगा, उन्होंने यही कहा कि ये गेट टुगेदर प्रोग्राम है। आप यकीन करें कि काफ़ी जो है मतलब रिपोर्टें थी कि लाड़े की रिपोर्ट है और इसके अलावा जो है वो मतलब पानी भी सेट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारा प्रोग्राम बन गया हमने कहा यार प्रोग्राम तो करना है, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना होगा तो इंशाल्लाह खा पी के आ जाएंगे। तो माशाल्लाह यकीन करें इस ट्रिप में खाना पीना हमने बहुत अच्छा खाया और ट्रिप को एंजॉय बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बहरहाल ये फाइनल रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। हालांकि यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसी वीडियोस को पब्लिक लाइक नहीं करती, तो आपने लाइक करना है इसको, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊँगा और सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जहां से मच्छी मारूंगा 110% मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि भाई यहां पर ये मच्छी आई है, यहां पर ये डेमरिया है, ये इवन चारा भी आएगा ना तो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो भी आपको जो है वो पसंद आई होगी। इसको कोशिश कीजिएगा कि शेयर करें दूसरों, मतलब कोई ग्रुप में, फेसबुक वगैरह कहीं भी जो है आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी और मेरी अवेयरनेस से दूसरा बंदा जो है वो कुछ और अवेयर हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आएगी भाई, मेहनत तो हमने उतनी की है, बेशक जो भी हुआ मेहनत उतनी ही है, बल्कि उससे ज़्यादा लाड़े में मेहनत और ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें हफ्ता 10 दिन रुक जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको अच्छी सी रिपोर्ट दूंगा। जब तक के लिए दीजिए फिर हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।